हाय क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 क्लास नाइन्थ चैप्टर 9 एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स NCERT के सॉल्यूशंस पर ध्यान देंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को पर ध्यान देंगे, और फर्दर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मेरी फर्दर वीडियोस में देखेंगे आप। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ई एफ जी एंड एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, देन प्रूव दैट एरिया ई एफ जी एच इज हाफ द एरिया ए बी सी डी। तो इसमें हमें ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स गिवन हैं। रिमार्क में मिड पॉइंट्स का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली टू हाफ्स में, रादर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ई जो है वो ए बी को टू हाफ्स में एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब ए ई ई बी के इक्वल है, बी एफ एफ सी के इक्वल है, सी जी जी डी के इक्वल है, और डी एच ए एच के इक्वल है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम गिवन से करते हैं एज़ यूजुअल। गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ई एफ जी एच आर मिड पॉइंट्स ऑन इट्स साइड्स। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि एरिया ई एफ जी एच इज हाफ एरिया ए बी सी डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करनी पड़ेगी एक कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन में आपको ये कंस्ट्रक्शन करनी होगी कि आपको एच एफ को आपस में जॉइन करना पड़ेगा, इसलिए वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जॉइन एच एफ। जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं फिगर में, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनाते हैं। तो चलिए इसके प्रूफ पे ध्यान देते हैं। इसके प्रूफ में हम लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के, साथ ही साथ जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। इसका रीज़न ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसका रीज़न ये है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज वॉट यू आर सपोज टू राइट। तो बेसिकली हम इससे कह सकते हैं कि एज गिवन एच एंड एफ आर मिड पॉइंट्स तो हम इस फिगर में क्या प्रूफ करेंगे। हम इस फिगर में प्रूफ करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया, इस पैरेललोग्राम जो सो फॉर्म्ड बना है वो इसके एरिया के हाफ होगा, और सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया, ये जो पैरेललोग्राम बना है इसके एरिया के हाफ होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे का एरिया इस पूरे के एरिया के हाफ आ जाएगा। बट उसके लिए हमें सबसे पहले ए बी एफ एच को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। वो ऐसे होगा, एच आर एफ मिड पॉइंट्स हैं इसलिए मैं ए एच को हाफ लिख सकता हूँ ए डी के बराबर, और बी एफ को हाफ लिख सकता हूँ बी सी के बराबर। तो ए डी इससे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए एच, और बी सी इससे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ बी एफ। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ए डी बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी बी सी के इक्वल रखेंगे तो टू ए एच टू बी सी के टू बी एफ के इक्वल आ जाएगा। टू ए एच इज इक्वल टू टू बी एफ। फिर से ध्यान दीजिए, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ए डी बी सी के इक्वल है, तो ए डी इसके भी इक्वल है, बी सी इसके भी इक्वल, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। टू से टू कैंसिल, ए एच बी एफ के इक्वल आ चुका है हमारे पास। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ए एच जो है वो पैरेलल है बी एफ के, रीज़न है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। मैंने आपको ये रीज़न पहले भी बताया हुआ है
parts of parallel lines. इससे मैं क्या प्रूफ करता हूँ? इससे मैं प्रूफ करता हूँ कि ABFH is a parallelogram. Therefore, इससे प्रूव है कि ABFH is a parallelogram. Similarly, इसी सेम तरीके से जो FHCD है वो भी एक पैरेललोग्राम है. ध्यान दिख रहा है आपको? ABFH इस फिगर में ये है, ABFH और FHCD ये दोनों पैरेललोग्राम है. अब मैंने आपके लिए न्यू पेज पे एक फिर से फिगर बना दिए. हमने ABFH और FHCD को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी. तो अब हम एक छोटी सी थ्योरम जो आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 2 के नाम से जानी जाती है कि triangle and parallelogram on the same base and between same parallels, then the area of triangle is half the area of parallelogram. तो हम लिखेंगे since यहाँ पे कि ABFH parallelogram and FEH triangle are on same base. क्या है उनका बेस? FH. एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AB पैरेलल FH, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. देयरफोर एरिया ऑफ ट्रायंगल FEH इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABFH. रीजन क्या है? पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देन area of triangle is half the area of parallelogram. तो इस हिसाब से ये हमारा first बन गया. और similarly ऊपर वाले parallelogram के लिए भी यही होगा. क्या होगा? area triangle GFH is half area HFCD. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड 1 and 2. ऐड लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड. ट्रायंगल EFH में ट्रायंगल FGH को ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में हाफ एरिया ABFH में हाफ एरिया FCDH ऐड करोगे. ये क्या बन जाएगा? EFH यानी ये वाला एरिया, इसमें जब मैं FGH ऐड करता हूँ यानी ये वाला एरिया, तो मेरे पास क्या बन जाता है? एरिया EFGH बन जाता है. एरिया EFGH राइट हैंड साइड में हाफ को कॉमन लिया, अंदर बचा एरिया ABFH प्लस एरिया FCDH. फिर एरिया EFGH इज इक्वल टू हाफ एरिया ABFH यानी ABFH यानी ये वाला पार्ट पूरा ABFH में अगर मैं ऐड कर देता हूँ FCDH यानी ये, तो क्या बनता है? ABCD. यहाँ पे लिखूंगा ABCD और यही हमें प्रूफ करना था. सो हेंस प्रूफ्ड. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान दें कि जब भी आप एरिया लिखते हैं तो एरिया जिसका लिख रहे हैं उस चीज़ को आप ब्रैकेट में ज़रूर रखें. तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये ब्रैकेट में ज़रूर जाएंगी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. साथ ही साथ आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रायंगल का एरिया ऐड कर रहे हो, पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर रहे हो. हर जगह आपको मेंशन करना है. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट प्रॉपरली,
वरना आप सेम यहाँ से कॉपी करके अपने जो भी है प्रैक्टिस नहीं करोगे इसकी, आपको खुद इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन ओनली अंडरस्टैंड. दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू प्रूव. एंड ये थ्योरम आप अच्छे से याद करना कि इफ़ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इंपॉर्टेंट थ्योरम इज यूज्ड इन दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन. बाकी फर्दर क्वेश्चंस के वीडियोस हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे. बिफोर लिविंग आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्रेस द बेल आइकन टू मीट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. हिट लाइक इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड डू शेयर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.